हेलो एवरीवन, तो असाइनमेंट टू का सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है, नंबर ऑफ़ कार्बन बताना है। जैसे तो नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए हमें पता है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ कार्बन है इस पोजीशन पे, जहाँ मीट करती है लाइंस इन, तो टोटल फाइव पोजिशंस आ गए, फाइव कार्बन है इसमें। हाइड्रोजन देखें तो इस पोजिशन पर देख रहे हैं, इस पर अगर देखें तो ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया हुआ है ये कार्बन, मतलब इस पर तीन बॉन्ड होगा, तीन हाइड्रोजन होंगे। और इस ये जो इसको अब हम नोटिस कर रहे हैं तो इसमें दो बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, इस पे तीन हाइड्रोजन, नीचे वाले पे तीन हाइड्रोजन और बीच वाले में ऑलरेडी तीन बॉन्ड है, तो इस पे एक हाइड्रोजन। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि कितने हाइड्रोजन है इसमें, काउंट कर लो तो तीन और इधर दो, पाँच, पाँच और तीन आठ, एक नौ, दस, ग्यारह, बारह, टोटल 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सीधा हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई और एटम है ही नहीं, केवल हाइड्रोजन ही है, तो C5 आ गया और H12 आ गया, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन और ये तीन कार्बन है इस पर, तो C3 हो गए। अब हाइड्रोजन अगर, सॉरी, तीन कार्बन हो गए, नंबर लिख देते हैं बस, तीन कार्बन है इस पर। इसके बाद इस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होंगे, इस पोजीशन पे दो हाइड्रोजन होंगे, दूसरे कलर को यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पोजीशन इधर उससे देख रहे हैं तो इधर तीन हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, इस पे तो ज़ीरो हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन, टोटल तीन, दो, पाँच और एक, सिक्स हाइड्रोजन एटम्स हैं इसमें। और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C3 है, H6 है और दो ऑक्सीजन है, तो O2। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो एक कार्बन, देन दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो तीन कार्बन इसमें भी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इसके पास तीन और इसके पास दो और दो यहाँ पे, तो तीन, दो, पाँच और दो, सात, 3, 7, तो C3, H7, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो C3H7NO। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, टोटल सेवन कार्बन एटम्स हो गए। हाइड्रोजन के लिए देखें यहाँ पे तीन और बाकी सब पे एक एक, तो तीन और पाँच आठ, तो ये हो गया C7H8। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ हो गए टोटल कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, फिर दो दो इन पे और इस पे एक, है ना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, तो टोटल कितने हो गए, दो, एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और एक चौदह, चौदह हाइड्रोजन हो गए टोटल, तो C8H14 और O। आसान है, कुछ ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम तो नहीं हाइड्रोजन को ऐड करना। इसमें देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी और ये भी, है ना, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे इस पोजीशन पे, या जहाँ पे बॉन्ड इन दोनों पोजीशंस पे क्या है, कार्बन एटम्स हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सिक्स कार्बन एटम। मैंने बताया था क्लास में, लेक्चर में, कि आपको, आप इसको इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो कि इधर एक हाइड्रोजन एटम है एंड में, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन। हाइड्रोजन देखें तो इस पोजीशन पे ऑलरेडी तीन बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो ज़ीरो हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर तीन, तो तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, तो एट हाइड्रोजन है, C6H8 आ जाएगा। होपफुली क्लियर होगा, तीन, एक, चार, पाँच, छः, सात, आठ हाइड्रोजन, सही। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आते हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे कार्बन पहले देखो, तो इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, तो टोटल एक, दो, तीन, चार और एक, ये पाँच कार्बन है टोटल। हाइड्रोजन देखें तो इधर तीन, तीन, छः और एक, सात, तीन, दस और तीन, तेरह, तो तेरह हाइड्रोजन, तो C5H13 और N। इस पे कितने कार्बन, एक, दो, तीन, चार, फोर कार्बन और
हाइड्रोजन देखा तो इधर तीन और इधर तीन, बीच में तो चार चार बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये हो गया C4H6। नेक्स्ट देखो, दो कार्बन इधर, दो इधर, चार कार्बन, और केवल इसी पे तीन हाइड्रोजन होंगे, है ना, इस वाले कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन बस, और उधर भी तीन हाइड्रोजन, टोटल सिक्स हाइड्रोजन, तो C4H6 और तीन ऑक्सीजन O3। फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन, और हाइड्रोजन देखे तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तीन चार पाँच छः और तीन नौ, नाइन हाइड्रोजन, और तो C5H9Br और O। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इसका। कंसिडर द गिवन बॉन्ड लाइन फार्मूला, राइट द लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्केलेटन अगर देखें तो सी डबल बॉन्ड सी है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और इस पे डबल बॉन्ड ओ है, एक नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, बस ये इसका स्केलेटन है। बाकी आप हाइड्रोजन भर दीजिए जहाँ जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है, चार चार बॉन्ड हर एक कार्बन पे होने चाहिए। लोन पेयर ड्रॉ कर दिया, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ताकि आठ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँ इसके पास सराउंडिंग में। तो ये हो गया, हाँ, तो लेविस स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड देखें, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाउ मेनी लोन पेयर्स, दो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है और एक नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, तीन लोन पेयर। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला, तो कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, C5H9NO। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक तो है कि CH3 आया सबसे पहले, तो CH3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट कार्बन पे दो CH3 के ग्रुप्स हैं, तो कार्बन और दो CH3 है, तो CH3 होल्ड ट्वाइस और फिर एक CH3। तो ये एक वे हो गया इसको लिखने का। और एक तरीका है कि आप केवल सेंटर वाले कार्बन को अगर इमेजिन करिए, तो इस पे चार ग्रुप्स आइडेंटिकल जुड़े हुए हैं। जैसे चार ग्रुप CH4 के पास CH4 पे रहते हैं, तो हम इसको CH4 लिख देते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से इस कार्बन को अगर सेंट्रल कार्बन को देखें, तो चार CH3 के ग्रुप्स हैं, तो ये हो जाएगा CH3 होल 4। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका है इसको लिखने का, और मैं लिख देता हूँ इसको। बॉन्ड एंगल फार्मूला अगर देखें, तो तीन कार्बन की स्ट्रेट चेन दिख रही है, एक दो तीन, तो तीन कार्बन बनाया और बीच वाले कार्बन पे दो कार्बन है, तो बस ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसमें हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, एक दो तीन, और ये बताया था मैंने कि सी ओ मतलब सी डबल बॉन्ड ओ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, और इधर एक सी और एक सी, बस बाकी तो हाइड्रोजन जोड़ना है इधर। इधर तीन हाइड्रोजन दिए हुए हैं, CH3 है, फिर CH2 है, और एक लोन पेयर हो गया, इस पे दो लोन पेयर्स हो गए, और इधर CH2 और CH3। और अगर हमें बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, ये तीसरा, फिर एक नाइट्रोजन, ये सब चेन में आ रहे हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, तो तीन के बाद एक नाइट्रोजन, और इसके बाद फिर दो कार्बन, और इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन का ग्रुप, ये इसका कंप्लीट, और एक नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन भी है, एक लोन पेयर भी है, और इस पे दो लोन पेयर्स। तो ये इसका कंप्लीट लेविस स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। NH भी लिख सकते थे, या फिर उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, डबल बॉन्ड ओ NH और ऐसा, ये भी करेक्ट माना जाएगा, दिस और दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को देखो, तो इधर कार्बन है, और क्योंकि डबल बॉन्ड है, मतलब CH2 होगा यहाँ पे, तो ये CH2 हो गया। फिर इसको देखो, तो एक कार्बन है अगेन, और इस पे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, इसको CH3 ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप है। फिर इस कार्बन पे आए, तो CHO, ये CHO जनरली लिखने का वे है, जब COH नहीं लिखते हैं जनरली, COH भी सही माना जाएगा, लेकिन जो मैं जनरल वे बता रहा हूँ कि जो बुक्स में लिखते हैं, वो CHO लिखते हैं,
ताकि ये पता चले COH लिखने से ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में लिंकेज है। वो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिंकेज भी होता है, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड रहता है, तो ये मेंशन करने के लिए हम CH लिखते हैं इसको। ठीक है, अब ये बनाना तो आसान है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है एक। इस हाइड्रोजन को नीचे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। फिर सी डबल बॉन्ड सी आ गया, एक मिथाइल है इस पर, तो CH3, और फिर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और डबल बॉन्ड ओ पे मतलब ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट इसको देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है, ये रिंग कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड है ये, इधर डबल बॉन्ड है और इधर एक और कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इस पे डबल बॉन्ड ओ है और इसके साथ एक और कार्बन कनेक्टेड, तो ये इसका पूरा मैंने एक्चुअली बॉन्ड लाइन फार्मूला बना दिया, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला हमें पता चल गया। बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रॉ कर देते हैं, इधर डबल बॉन्ड ओ है, इधर डबल बॉन्ड ओ है, इसके साथ ऑक्सीजन है और एक मिथाइल, और सिंपल स्ट्रक्चर तो CH2 ग्रुप है, इधर CH है डबल बॉन्ड, कार्बन तो शो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, CH है इधर भी, CH वैसे भी लिख सकते हो, CH2 है यहाँ पे, देन अगेन CH2 है, और फिर यहाँ पे कार्बन है जिसके साथ सी, फिर एक कार्बन CH है और फिर COOCH3, ये पूरा ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला बना। इधर देखिए अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला बना है, तो यहाँ पे देखिए तो इस पे तीन कार्बन, तीन बॉन्ड ऑलरेडी है, मतलब चौथा बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन, तो CH है, देन डबल बॉन्ड है C, देन सिंगल बॉन्ड है CH, देन डबल बॉन्ड है CH, देन सिंगल बॉन्ड है CH, देन डबल बॉन्ड है CH, और फिर ये, और इधर क्या कनेक्टेड है, फिर C है, इस इधर हम चेन के फॉर्म के जैसे लिख सकते हैं, C है, देन इधर एक और कार्बन है, इस पे O है, O है, H है। बेटर तो यही है कि हम एक डिफरेंशिएट करने के लिए इसको एक लाइन बीच में ड्रॉ कर देते हैं ताकि क्लियर डिस्टिंक्शन रहे, COOH। जनरली हम जो कंडेंस्ड फार्मूला ये सब लिख रहे हैं अपने हम खुद की मतलब बेनिफिट के लिए या टाइम सेव करने के लिए, खुद को समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो कहीं पे हम एक्स्ट्रा बॉन्ड या ये सब यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल अपने आप को नहीं रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। ठीक है, फिर इसमें तो बस हमें एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है उन सबको ओपन करके दिखाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड सी, देन सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और फिर सिंगल बॉन्ड सी, और इधर एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर इधर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और फिर एच, लोन पेयर शो कर देते हैं। लोन पेयर अगर नहीं शो करते हैं तो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लोन पेयर नहीं शो किया हुआ है तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है लोन पेयर, हम बस उसको शॉर्ट में लिखने के कारण लिखते नहीं हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ से लोन पेयर गायब हो गया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में देखें तो एन सी है, तो सी के साथ पहले एक एन कनेक्टेड है, इसको इधर एक एन कनेक्ट किया, और फिर सी एच टू ग्रुप है, तो एक कार्बन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन है, तो अब इस कार्बन की तो चार बॉन्ड बने ही नहीं है ना, इधर एक ही बॉन्ड बना है, फिर इधर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ गया, सी ओ ग्रुप आ गया, फिर सी एच टू आ गया, फिर सी एच ओ आ गया, सी एच ओ मतलब डबल बॉन्ड ओ सी के साथ एच कनेक्टेड है। इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाना है, तीन बॉन्ड, और कार्बन को चार बॉन्ड, तो चार कार्बन ने दो बॉन्ड बनाया हुआ है, अब दो बॉन्ड इधर नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि इस कार्बन की ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इधर ही केवल जगह है बनाने के लिए लेफ्ट साइड में, तो इधर दो बॉन्ड बनाएगा ताकि नाइट्रोजन जो है उसकी भी कंप्लीशन हो जाए ऑक्टेट की, तीन बॉन्ड बन जाएगा और एक लोन पेयर आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर आ जाएंगे, इस पे भी और इस पे भी, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। देन मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट जो स्ट्रक्चर रहता है वो लीनियर रहता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड सी है तो इसके अबाउट हम एक कार्बन तक लीनियर बनाएंगे, फिर सी के बाद
मतलब इसको बॉन्ड लाइन के फॉर्म में शो करते हैं तो ऐसा हो जाएगा ये, और फिर इधर सी डबल बॉन्ड ओ, देन सी एच टू, और फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा क्लियर होगा होपफुली। ये सी एच टू जो है, ये सी एच टू को हमने यहाँ से दिखाया ऐसा, ठीक है, ये कार्बन, एक कार्बन बीच में शो कर दिया है ताकि क्लैरिटी रहे, तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, सी एच टू ग्रुप है तो पहले सी एच टू ड्रॉ कर दिया, फिर सी एच है तो सी एच ड्रॉ कर दिया, तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, फिर सी एच है और ओ एच है, ओ एच ड्रॉ किया, फिर सी एच टू है और फिर सी ओ टू एच, सी ओ मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर ओ एच इज सी ओ टू एच, ये ग्रुप है। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर शो कर दिया मैंने, और इसके बाद अगर हमें बॉन्ड लाइन बनाना है तो कार्बन 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन है तो पांच कार्बन बना दिया, फिर इस कार्बन लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ है और ओ एच लगा हुआ है तो ये बना दिया, और इधर डबल बॉन्ड है तो 1, 2, 3, 4, 5 सही है, और एक ओ एच भी है थर्ड वाले पे, इधर से देखें तो इस पे एक ओ एच है, तो ये इसका कंप्लीट बॉन्ड लाइन बन गया। बॉन्ड लाइन बनाना काफ़ी आसान है, जैसे इधर कार्बन के लिए अगर हम देखें तो कार्बन, इधर कार्बन और यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ये स्केलेटन बना दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और इधर डबल बॉन्ड ओ सी एल, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर चाहो शो कर सकते हो, कोई नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, बस यही हो गया। और शॉर्ट फॉर्म में सी एच सी सी ओ सी एल, इधर डबल बॉन्ड है, फिर इधर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड एन सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, ये हो जाएगा। ये कार्बन थोड़ा सेंटर में आएगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक जैसा है, लिख देता हूँ सी एच यहाँ, ठीक है। फिर इसको देखो, तो देखो अभी बताया ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट लीनियर रहेगा, तो एक कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है, है ना, तो इधर सी एच थ्री हो गया पहले, सी एच थ्री, फिर इस पे, तो इस पे सी एच टू, फिर इन दोनों कार्बन पे तो कुछ हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी चार बॉन्ड है, यहाँ तक आ गए। इस कार्बन पे देखें तो एक सी एच ग्रुप है और दो सी एच थ्री के ग्रुप्स हैं, तो सी एच थ्री होल ट्वाइस, ऐसा लिख सकते हो, या फिर इधर जा सकते हो और सी एच सी एच थ्री लिख सकते हो इसको, मतलब ऐसा भी लिख सकते थे सी एच थ्री, इस पे आए सी एच टू, नेक्स्ट गए कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन कार्बन कंसिडर करना है, फिर कार्बन जिस पे हाइड्रोजन है और एक सी एच थ्री है, और फिर नेक्स्ट सी एच थ्री, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। और लिव स्ट्रक्चर में तो बस ओपन करना है अपने को, कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, फिर एक कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन, इधर सी एच थ्री और एक सी एच थ्री, और इधर देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर तीन हाइड्रोजन चार बॉन्ड बनाने के लिए, बस यहाँ कार्बन है। लास्ट स्ट्रक्चर है, इधर सी एच टू ग्रुप है, फिर सी एच है, फिर सी एच और ओ सी एच थ्री है, है ना, इधर नीचे आए तो ओ सी एच थ्री है, फिर सी एच सी एल सी एच टू और एन एच टू, ये है। जब हम इसका बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन है, लास्ट वाले कार्बन से एन एच टू ग्रुप निकला हुआ है, जुड़ा हुआ है, और इधर डबल बॉन्ड है फर्स्ट वाली पोजीशन पे, फिर थर्ड वाले इधर से देखो तो इस पे ओ सी एच थ्री है, ओ सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री लिख सकते हो, या फिर एक लाइन बना के भी छोड़ सकते हैं, ओ सी एच थ्री भी लिख सकते हो वैसे, ओ सी एच थ्री ऐसा, और नेक्स्ट वाले पे एक क्लोरीन भी है तो सी एल, तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। होपफुली क्लियर होगा ये, मतलब एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने बस ये वीडियो बनाया, तो आप लोग नहीं समझ में आया दोबारा एक बार देख लो, दोबारा खुद से जितने एग्जांपल हैं इनको करके देखो, और एक्सरसाइज शीट से एग्जांपल कर लेना तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू।